कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, नाम तो सुना ही होगा। डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स, प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके कोई नुकसान होने वाला है तो पहले से उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करके चलें, पहले से उसकी प्लानिंग करके चलें। बट अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके कोई प्रॉफिट होने वाला है तो जब तक हो ना जाए तब तक आपको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैंने आपसे पैसे लेने हैं 50 लाख रुपए, ठीक है? अब सुनने में आया आपका प्लान है यहाँ से निकलने का, और आपने पूरा सेटल हो गए और आपने दूसरों के भी देने थे। आपने कहा कि बस इन्होंने मेरे साथ ठीक नहीं करा तो मैं नहीं देने वाली इनके, इन्होंने मेरे साथ जो भी मतलब वट एवर में भी द रीजन, आई हैव रीजन टू बिलीव कि आपने 2 साल से तो दिया नहीं है, औरों को भी नहीं दिया, और आप यहाँ से जा रहे हो और नहीं दोगे। मैं फिर भी डेटर्स में दिखाता रहूं कि रिसीवेबल्स हैं मेरे, एसेट्स हैं मेरे, तो मैं अपनी फाइनेंशियल पोजिशन को ओवरस्टेट मतलब बड़ा चढ़ा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ये पैसे मुझे अभी नहीं मिलने वाले। तो मुझे क्या करना चाहिए था? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट कर लेना चाहिए था। वो एक बेटर अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है। कर दिया होता तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिलायबल होती। एक एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। एक और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आप बिजनेस करते हो, जरूरी थोड़ी ना कि हर बारी हर साल 100% पैसे मिल जाते हो, जरूरी नहीं है। किसी भी बिजनेस में मतलब बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जितने पैसे लेने थे 100 के 100% मिल गए। 2-4-5% कभी कभी बैड डेट्स हो जाते हैं। 2-4-5% कि फॉर एग्जाम्पल लास्ट क्वार्टर शुरू हुआ तो आपने कहा कि मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, आपने तो क्लासेस अटेंड कर ली बट आपको मजा नहीं आया। तो ऐसे एक दो बच्चे हर बार ही होते हैं कि उनको मजा नहीं आया और आधी पौनी फीस नहीं मिलती। मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा है, अगर मैं कह रहा हूँ ना इमेजिनरी सिचुएशन, सब पूरे पैसे देते हैं एडवांस में, पूरे साल के देते हैं, आप सब कुछ बढ़िया है, एग्जाम्पल की बात हो रही है, एग्जाम्पल कि अगर मुझे पता है कि हर साल ऐसा होता है कि 2-4% या 5% पैसे नहीं मिलते, तो एक अच्छी अकाउंटिंग कहती है कि आपको 5% प्रोविजन क्रिएट करके चलना चाहिए, आपको 5% प्रोविजन क्रिएट करके चलना चाहिए बैड डेट्स के लिए। मिल गए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो आपने तो पहले से ही उसके लिए प्लान कर रखा था कि भैया मेरे को अगर 10 लाख मिलने हैं, 5% प्रोविजन है, 50,000 नहीं मिलेंगे तो 9,50,000 मान रहा था मैं तो अपने रिसीवेबल्स, उतने तो मिलेंगे ही। आप अपनी बिजनेस प्लानिंग उस हिसाब से करो। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस का एग्जाम्पल होता है आपके एग्जाम में गए, आप पेपर दे के आए, करा हमने एग्जाम्पल डिस्कस, आप स्कूल गए, आपका पेपर था, आप भी गए, आप तीनों गए सेम स्कूल में, सेम पेपर दे के आए, पेपर था 80 नंबर का। जैसे ही घर वापस आते हैं तो मम्मी क्या पूछती है? ये नहीं पूछती बेटा कुछ खाएगी, या पहले क्या पूछती है? पेपर कैसा गया? खाना तो तू खाएगी जैसा भी गया हो, ठीक है ना, खाना तो छोड़ेगी नहीं। तो पहले मम्मी पूछती है कि बेटा पेपर कैसा गया, तो हम बोलते हैं ठीक गया, हम कभी मना ये थोड़ा बोलते, बेकार तो हम कभी बोलते ही नहीं, अच्छा या ठीक, दो ही ऑप्शन होते हैं। फिर हम पूछते हैं अच्छा बेटा कितने आएंगे, तो क्या बोला आपने? नहीं, अब आपको एस्टिमेट लेके देना है कि कितने आएंगे, 80 मार्क्स का था, आप कितने आएंगे? आपको पहले लग रहा है, आपको लग रहा है कि 70 आ जाएंगे, आपने अपनी पूरी कैलकुलेशन कर ली है 70 आ जाएंगे। अब आपने मम्मी को क्या बोला कितने आएंगे, ठीक है ना, आपने अपनी कैलकुलेशन करी थी कि मेरे हिसाब से जैसे ही पेपर खत्म हुआ सर मैंने किताब निकाली और सर अपना पूरा चेकअप कर लिया तो मेरे हिसाब से 70 आ रहे थे। घर पहुंचा, मम्मी ने पूछा, मैंने बोल दिया 70 आएंगे, आपको लग रहा था 70 आएंगे, आपने मम्मी को बोल दिया 70 आएंगे, वेरी गुड। सेम सिचुएशन, अब नैना घर गई तो बेटा आपने भी सोचा था कि 70 आएंगे, मम्मी ने पूछा कि बेटा कितने आएंगे, तो आप क्या बोलोगे? ठीक, आप क्या बोलोगे? अच्छा गया था, लेकिन अगर मम्मी पूछेंगी वो सब तो ठीक है, अच्छा था तुम्हारे लिए 40 भी होता है, आएंगे कितने? 75। ओके चलो ये भी ठीक है। अब ध्यान से देखना, आपने बोला 75 आएंगे, आपको पूरी कैलकुलेशन के बाद पता चल रहा था 70 आएंगे, आपने बोला 70, आपने बोला 70, आपने बोला 75 आएंगे, आपने 65+ बोला, आपने बोला कि 65+ आएंगे, आपने 5 हो जाऊंगा, चलो एक ने बोला कि 40 आ जाएंगे, 65+ आ जाएंगे, 60-65, 62-65, ठीक है जी। सबका पेपर सेम हुआ था, सबको लग रहा था कि 70 आ जाएंगे, और सबने किसी ने कहा कि 70 आ जाएंगे, किसी ने बोला 75 आ जाएंगे, किसी ने बोला 40+ आ जाएंगे, किसी
इसी ने बोला 60 65, ठीक है अब ध्यान से देखना हुआ क्या। रिजल्ट आया, रिजल्ट को आने से कौन रोक सकता है, रिजल्ट तो एक दिन आना ही है। तो रिद्धिमा ने बोला था कि 70 आएंगे, रिद्धिमा के आए 69, ठीक है ना, सेटिस्फैक्ट्री, 69 आए तो मम्मी खुश होंगी, खुश होंगी। लेकिन अगर आपने बोले होते 60 और आते 69 तो खुशी कम होती है ज्यादा, कहीं ज्यादा होती? आपने तो मन में कैलकुलेशन कर रखी थी, आपने बोला था 70 और आप क्या है 69, हो सकता है आपको ये सुनने के लिए मिल जाए तूने तो कहा था 70 आएंगे, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ये सुनने को मिल जाए कि तूने तो कहा था 70 आएंगे तेरे तो 69 है, जबकि वो खुश थे लेकिन खुशी पे एक दरार लग। सेम आपके साथ हुआ, आपके भी 69 आए लेकिन आपने बोले थे 75, तो कैसा लगेगा मम्मी को? अच्छा तो मतलब मम्मी इसके भी तो 69 है, वो देखो वहां तो पार्टी चल रही है, आप उदास हो रहे हो। बेटा मैं उदास नहीं हो रही, तूने मुझे बोला था कि 75 आएंगे, उदासी का कारण तू है, तूने बोला होता 65 आएंगे और 69 आए होते तो आज हमारे घर में उनसे बड़ी पार्टी हो रही होती, क्योंकि हम 65 सेटल करके चल रहे थे, उससे बड़े नंबर आए, ज्यादा आए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस यही कहता है कि भाई साहब आपने, क्योंकि यूजर्स हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत सारे लोग व्यू कर रहे हैं, पैसा लगा के बैठे हुए हैं, तो आपने बोला आपके एसेट्स हैं 1 करोड़ के, अब वो 1 करोड़ रियलाइज हो जाए तो बड़ी खुशी की बात है, 1 करोड़ 10 लाख हो जाए तो और खुशी की बात है, लेकिन अगर वो 90 लाख हो जाए तो फिर आपने सही डिस्क्लोजर नहीं दे रखा, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने तो बोला था कि आपके रिसीवेबल्स 1 करोड़ के हैं, 90 लाख क्यों है, नहीं दिया 10 लोगों ने पैसा, 10 लाख तो आपने ठीक से रिकवरी क्यों नहीं करी, आपका काम था रिकवर। कह रहा है पहले से प्रोविजन क्रिएट कर लेना चाहिए था, पहले से अगर प्रोविजन क्रिएट कर लिया होता, बोल दिया होता कि 65 आएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस, आपको लग रहा था कि आपने सही लिखा है, हो गई गलती लिखते लिखते, हो गई गलती लिखते लिखते, तो पहले से उसके लिए प्रोविजन क्रिएट, प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट लगा देना चाहिए था, पहले ही कम करके बताना चाहिए था, उसके बाद बढ़ के आएंगे तो खुशी होगी। सर वो तो बाद में होगी ना, जो 2 महीने हमारी हालात खराब करेंगे घर वाले, कि तो हम ज्यादा भी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस नहीं लगा, तो ज्यादा भी अंडरस्टेट नहीं कर देना चाहिए कि 40 आएंगे, ठीक है ना, तो ये छोड़ पढ़ाई, फिर क्यों करना पढ़ाई, बंद कर ये सब, बंद तेरी ट्यूशन आगे से कहीं नहीं जाएगा ही। तो क्योंकि जैसे ही आप प्रोविजन क्रिएट करते हैं आप अपनी लाइबिलिटीज ओवर स्टेट कर रहे हैं, आप अपने नुकसान दिखा रहे हैं, तो दिखाओ उतने जितने आप एंटिसिपेट कर रहे हो, उनको ओवर स्टेट मत कर दो, उनको ओवर स्टेट मत कर दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस लगाने से आप अपने लॉसेस दिखा रहे हैं, तो लॉसेस दिखाने से कि यू यू टेंड टू ओवर स्टेट योर लाइबिलिटीज एंड अंडर स्टेट योर एसेट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि कितना प्रोविजन क्रिएट करना है दैट अगेन डिपेंड्स ऑन योर जजमेंट, उसमें कोई रूल थोड़ी ना है कि नहीं, 10% से ज्यादा प्रोविजन नहीं क्रिएट कर सकते, कह रहे आपकी मर्जी है। तो प्रोविजन क्रिएट करना बैड डेट्स के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस का एग्जाम्पल है। क्लोजिंग स्टॉक हम इतनी बार कर चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, कि आप जिस चीज में डील करते हैं, आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, आपने खरीदा था 50,000 का, आज की रेट में मार्केट प्राइस है 70,000, आपने खरीदा था 50,000 का, आज की रेट में वैल्यू है 70,000, क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है 31 मार्च 2023, कॉस्ट प्राइस 50,000, मार्केट में सेलिंग प्राइस 65,000, किस वैल्यू पे दिखाएं, 50,000 पे दिखाएं या 65? 50,000 पे दिखाएंगे, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल टू, कॉस्ट प्राइस है 50,000, सेलिंग प्राइस हो गया है 35,000, आपको पता है कि मार्केट प्राइस उसका 35,000 हो चुका है, तो आपने तो 50 का ही खरीदा था, क्लोजिंग स्टॉक 50 पे दिखाएं या 35, आर यू श्योर? थर्टी फाइव क्यों? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दैट इज द मार्केट प्राइस,
विच एवर इज लेस, कि कम से कम इतने का तो बिक ही जाएगा, कम से कम इतने पैसे तो मुझे रियलाइज करके देगा ही देगा। तो ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिव हो जाओ अपनी अप्रोच में, प्रूडेंट, वाइज। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इज मेनी अ टाइम्स डिस्क्राइब्ड यूजिंग द फ्रेज डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। स्टेटिंग डिफरेंटली, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट नॉट ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट नॉट द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। The application of this concept ensures that financial statements do not paint a better picture than what it actually is. अगर आप अपने anticipated profits भी books में दिखाने लग जाते हैं, मुझे ना फोन आया है कल, एक बच्चा 5 बच्चों को लेके आने वाला है और वो पूरे साल की फीस एक साथ दे देंगे, कर दूं क्या रिकॉर्ड? कर सकता हूँ रिकॉर्ड? क्या कह रहे, क्या रिकॉर्ड करूं? उनकी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग की बात हो रही है क्या? कैसे कर सकते हैं भाई साहब? डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स, जब होगा तब देख लेंगे। ऑर्डर आया है, ऑर्डर आया है, ऑर्डर आया है, ऑर्डर आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऑर्डर आया है आपको 1000 यूनिट्स बनाने का, उससे ना बड़ा प्रॉफिट होगा। ऑर्डर आ गया है, पेपर साइंड है, पेपर साइंड है, ऑर्डर आ चुका है, 1000 यूनिट्स का साइंड कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, उससे जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है क्या बुक्स में रिकॉर्ड कर सकता हूँ? नो नो, अभी ऑर्डर आया है, एडवांस भी आ गया है, चलो अब एडवांस भी आ गया 50 लाख, अब एंटिसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉर्ड कर सकता हूँ? यस और नो? नो, नहीं कर सकता। एडवांस आया है, अभी अभी सामान बनाया थोड़ी ना आपने, क्या पता बाढ़ आ जाए, क्या पता कुछ भी हो सकता है। कैसी नेगेटिव बातें करते हो आप? है, अरे मैं नहीं कह रहा, मैं प्रिंसिपल यही कह रहा है, डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स, जब तक होते नहीं है तब तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है। बी वाइज, डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स, बड़ा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, और मेकिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। आपको पता है कि हर साल थोड़ा बहुत डिस्काउंट देना पड़ जाएगा, तो पहले से प्रोविजन क्रिएट करके चलो, नुकसान क्या होना। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब्स दैट एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी अकाउंटेड दस एज अ रिजल्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज अ रिजल्ट लाइबिलिटीज मे बी ओवरस्टेटेड। हो सकता है कि आप अपनी लाइबिलिटीज ओवरस्टेट कर बैठे। इट हैज अ ड्रॉबैक एज इट मे बी यूज टू क्रिएट अ सीक्रेट रिजर्व। आप प्रोविजन पे प्रोविजन क्रिएट करे जा रहे हो, अपना लॉस मान रहे हो जो कि हो नहीं रहा, हो सकता है हो जाए, हो सकता है हो जाए, बोल बोल के आप अपना प्रोविजन क्रिएट करे जा रहे हो, तो इट माइट लीड टू क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व बाय क्रिएटिंग एक्सेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और डेप्रिसिएशन, एंड दस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे नॉट डिपेक्ट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो क्या चाहते हो, प्रोविजन क्रिएट करें या ना करें? करो, ज्यादा मत करो, मतलब उसको मिसयूज मत करो, उसको मिसयूज मत करो कि प्रोविजन की रिक्वायरमेंट थी 5% की, 15% प्रोविजन क्रिएट कर दिया, कह रहे नहीं, फिर दैट विल अगेन नॉट शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द सिस्टम ऑफ द बिजनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल पोजिशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म नीड्स टू बी अप्लाइड विद कॉशन एंड केयर सो दैट रिजल्ट्स रिपोर्टेड आर नॉट डिस्टॉर्टेड। Conservatism principle is a concept in accounting under GAAP, generally accepted accounting principles, which recognizes and records expenses and liabilities, certain or uncertain in nature, as soon as possible, but recognizes revenue and assets when they are assured. मतलब liabilities और expenses जैसे ही आपको लगे कि ये होने वाले हैं, हुए या नहीं हुए, but you have reasons to believe कि ये नुकसान हो सकता है, तो provision create कर दो। बट रेवेन्यू जब तक हो ना जाए, जब तक हो ना जाए तब तक रिकॉर्ड नहीं होगा। क्या है ये? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म।